तो भाई मतलब बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, एक बात बतानी है। मेरी बीवी घर आ रही है, मेरी बीवी घर आ रही है गाइस, हमें बताते हुए बहुत खेद हो रहा है कि मेरी बीवी घर आ गई है, पर मेरे नोनू घर आ गया, मेरे नोनू घर आ गया, मेरे नोनू घर आ गया। तो फाइनली भाई दोनों के दोनों घर आ गए, माँ बेटा, और रात के बज रहे हैं 10:15। अभी हमारे को बाहर जाना है किसी काम के लिए, वो कंप्लीट करके वापस आके फिर ज़रा गप्पे मारते कि 3 दिन ये क्या करके आई है, और नेक्स्ट दो दिन क्या करके आई है, और नेक्स्ट कब जाएगी। सर पवित दुआ क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट किया आपने? नहीं किया, कर रहा है। और मैडम जी चाय पी रही है, चाय की चेयर्स हो रही है, मैडम का चेयर्स कप कॉफ़ी वाला है, बड़ी चेयर्स हो रही है। तेरे को पता है ये कप बहुत पुराना है, मेरी शादी से भी पहले का कप है। हाँ ये बहुत पुराना कप है, मतलब ये कप मैंने बहुत कम, ये कप मैंने बहुत यूज़ कम किए हैं। ये जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये मुखर्जी नगर वाले हैं, और जब मैं आई थी तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोरे हैं, मतलब एक बार भी यूज़ नहीं हुआ। वही तो कह रहा हूँ ना, तो फिर तभी मैंने अब रेगुलर यूज़ में निकाल दिया। हाँ चल बढ़िया, कॉफ़ी के बाग में चाय पी रहे, चेयर्स। ज़रा दादू से मिला, ज़रा दादू की जय करवा जाओ। भाई हम घूमी घूमी जा रहे हैं, दादू के पास जा रहे हैं, हम तो दादू को जय करने जा रहे हैं। चलो दादू को जय करने जा रहे हैं, ये 3 दिन बाद घर आया, ये हाल है इसका। ये पापा देख रहे हैं अपना फेवरेट तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दया बहन। दादू मैं आ गया, मैं 3 डेज के लिए नानी हाउस गया था ना, नानी हाउस गया था ना मैं, नानी हाउस। चलो इधर आओ, दादू को जय करो, चलो दादू को जय करो। आए दोनों हाथ से करते, टू हैंड्स, बोथ हैंड्स, ये शाबाश, गुड बॉय। चलो पापा को भी जय करो, नहीं नहीं बस हो गया करो करो करो, हो गया। मम्मा को भी करो, मम्मा को भी करो, चलो सिखाओ। चलो जाओ भैया के भी जय करते हो, जाओ जय करो जय, ये उसके पैर छू रहा है। चलो आओ आओ, चलो खेली खेली करो आओ। और ये शाम की चाय बनते हुए, रजनीश हमारी भी बना ले, पिताजी क्या हाल है, ठीक है तबीयत, ठीक है, चाय पीनी है ना, वेरी गुड। और दसो की चलता पे, कल इलेक्शन दे रिजल्ट है कि नहीं, केड़ी पार्टी आएगी, कांग्रेस की बीजेपी, तुसी की जानते हो केड़ी पार्टी आए, कांग्रेस की बीजेपी है जो आ जाए, कोई एक पार्टी का नाम तो ले, बीजेपी या कांग्रेस। अच्छा दसो ए बीजेपी है की है उंगली, ठीक है, तो ए उंगली कांग्रेस है की है, केड़ी उंगली विचकार दी कोई नहीं हल्दी, एक पार्टी एक चुनो, बीजेपी या कांग्रेस, एक चुनो केड़ी आएगी, ए उंगली तो टच करो, बीजेपी। अच्छा पापा को चाहिए मोदी, कमाल ही हो गया भाई भाई, मतलब इस बार उम्मीद तो नहीं थी मोदी की, बट एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग तो भैया वही जीते हैं मोदी सरकार, और इस बार बड़ा बहुत लोगों को दुख होने वाला है, क्योंकि एक पार्टी के अगेंस्ट इतनी सारी पार्टियां थी फिर भी वो चीज़ नहीं आ पाई। रजनीश सर बताओ कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी। तो बीजेपी एक सीट, इसको तो वह अभी घर से बाहर निकाल, तो बाहर निकलते यहाँ से। अच्छा एक सीट भी दिल्ली में नहीं मिल रहा केजरीवाल को, वो एग्जिट पोल बता रहा ना।
अब असली तो वोटिंग कल होगी। 2019 में भी मैं लाजपत नगर में था, वहां देखा था, एग्जिट पर एकदम सेम टू सेम आया था। अच्छा, गलत नहीं आता है। चलो भाई, इसका कहना है कि जो एग्जिट पोल में आ गया बस वो फाइनल डिसीजन है। फेवरेट फेवरेट आ गए, ये आ गया भाई रस। उसकी नहीं बनाई सुकृति की? बनाइए, चल ठीक है, बस इसकी रहने दे। फिर भी दूसरी दे दे मेरे को, मेरी बिस्किट दे दे। यार मुझे फ़ैन बहुत पसंद है, ब्रश और फ़ैन। बचपन में फ़ैन तो मैंने बहुत खाया, मतलब फ़ैन खा के इतना है सुकृति, फ़ैन खा के मैं इतना बोर हो चुका हूँ कि अब मेरे को एसी चाहिए होता सोने के लिए, फ़ैन तो चाहिए ही नहीं, समझ गई। अब इसका रीज़न मिल गया कि मुझे एसी क्यों पसंद ज़्यादा। हाथ धो गया आप। और ये पवित्र का मैंगो शेक आ गया, आ गया आ गया, पटियाला पैग। अरे पटियाला पैग, ये पवित्र का पटियाला पैग है, ये पवित्र पी रहा है। कह रहा है इसमें थोड़ा सा रूह भी है और मैंगो है और मिल्क भी है, मिल्क भी है ना। यम 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 यम। पवित्र पवित्र मैंगो शेक क्यों पी रहा है पता है? बताओ क्यों? पवित्र बचपन से मैंगो शेक पीता है। नहीं वो तो है ही रीज़न, आज क्यों पी रहा है बताओ? क्योंकि पवित्र ने येलो कपड़े पहने हैं। ये अभी हम ये मैंगो शेक पिलाएंगे, फिर हम गाड़ी में घूमी चलेंगे और फिर हम पनीर लेके आएंगे और फिर मम्मा रात को पनीर बनाएगी पवित्र के लिए। क्या बनाएगी? दही के कबाब? क्या बनाएगी? पनीर के कबाब, पनीर कटलेट। पनीर कटलेट बना रही है आज। वाओ, ये ले आकर आकर। मैं पेट्रोल पंप पे और पवित्र के साथ जा रहे हैं हम बाहर पनीर लेने के लिए, और पेट्रोल डलाने की बारी आ गई है। पवित्र देख रहे क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं पवित्र देख रहे हैं। पवित्र जी क्या हो रहा है? पवित्र, ओ पवित्र, आपकी कार ऐसे भैया ने वॉश कर दी। ओ भैया ने वॉश कर दी कार, गंदी हो रही थी ना, भैया ने वॉश कर दी। ये चमक गई एकदम बढ़िया था यार, परफेक्ट। कोई नहीं चलेगा, इतना वहाँ से भी हो गई, ये लो भाई इधर से भी हो गई, मज़ेदार। गाड़ी पे प्लास्टिक खड़ा हुआ, मुझे लग रहा है भैया कुछ मांगने वाले हैं, वरना ऐसी शिद्दत से सफाई नहीं होती कभी भी। चलो हो गया पेट्रोल हो गया, कितना हो गया? 3030 का टंकी फुल हो गया 3030 पे। ये गाड़ी मस्त है। हाँ जी, तो तुम्हारी गाड़ी की सफाई कर दी भैया ने? बड़ा पहली बार ऐसा हुआ है कि सफाई भी हो गई, शिद्दत से सफाई करने के बाद कुछ मांगा भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं। मतलब मैं जनरली दे देता हूँ अपने आप, बट आज कैश था नहीं। अब पेटीएम क्या, तो पेटीएम दूंगा तो कंपनी भी जाएगा। फिर कभी नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगा, क्योंकि मेरे घर के साथ वाले ही है, तब दे देंगे, तो मैं दे दूंगा। बट तो अभी पनीर लेने चलते हैं। अभी सब कुछ पनीर खाएगा, अभी पनीर खाएगा, पनीर कटलेट मम्मा रात को आपके लिए बनाएगी। वो देख, वो ये है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहां पे पैसिफिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। आप भी स्विमिंग करोगे? हां, बोलो यस, बोलो यस। चलो पहले पनीर लेते हैं, घर चलते हैं, क्योंकि घर चल के बनाना है बहुत कुछ। right. और वो भी हो सकता है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखें कि क्या बनाने वाले हैं, लेकिन तैयारी तो देखो। अच्छा गाइस, एक चीज और, बच्चों की स्विमिंग एज क्या है इंडिया में, किस एज में हम कंफर्टेबली बच्चों को स्विमिंग के लिए डाल सकते हैं? आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि क्या करेक्ट एज है, कब तक कम्फर्टेबली हम पपित को स्विमिंग के लिए डाल सकते हैं? 4-5 साल यार। हाँ यार, लग रहा है इंडिया में इतनी होगी, 5 years होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाहर कम है, बाहर तो मेरे ख्याल से 1 year में ही डाल देते हैं। हाँ राइट, सो फटाफट से कमेंट करके मुझे हेल्प कर दो। थैंक यू।